सो दोस्तों, वन प्लस नॉट फिर से प्री बुक के ऊपर अमेजोन के ऊपर गया था, तो आप में से कितने लोगों ने इस डिवाइस को प्री बुक किया था आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि वन प्लस नॉट का जो ऑफिशियल लुक है वो मार्कस ब्राउनी के ऑफिशियल चैनल के ऊपर हमें देखने को मिल चुका है, तो जिन्होंने इस डिवाइस का जो फर्स्ट लुक है वो अभी तक नहीं देखा है वो इस वीडियो में देख सकते हैं कि आपको वन प्लस नॉट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और साथ ही में वन प्लस नॉट का बहुत सारा डिटेल शेयर किया गया था उस वीडियो के अंदर, तो मैं उसी वीडियो में से आपको कुछ अमेजिंग डिटेल्स बताने वाला हूँ और साथ ही मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है वन प्लस नॉट को परचेस करते समय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी एज ऑलवेज कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इस डिवाइस के बिल्ड और डिजाइनिंग को लेकर, तो वन प्लस नॉट के अंदर हमें बहुत ही प्रीमियम बिल्ड और डिजाइन देखने को मिला। और यहाँ पर इस डिवाइस को जो पहले बिल्ड किया गया था वो कुछ इस तरह का था, जहाँ पर हमें आईफोन 11 के जैसा ही कुछ कैमरा मॉड्यूल देखने को मिला था, बट फाइनल जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला है, जहाँ पर हमें क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिला है। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें आईफोन के जैसा जो कैमरा मॉड्यूल था वो देखने में अच्छा लगा, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसे जो वन प्लस नॉट का अभी ऑफिशियल लुक है वो देखने में बेहतरीन लग रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसके साथ ही अब बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर आपको बहुत ही प्रीमियम 48 मेगापिक्सल्स का क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा जो कि OIS के सपोर्ट के साथ आने वाला है, और इसका जो डिज़ाइन होगा वो काफ़ी सिमिलर आपको ओप्पो रेनो 3 प्रो के जैसा ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको थोड़े मोरे मेजर चेंजेस किए गए हैं कलर्स को लेकर और डिज़ाइन को लेकर, जहाँ पर इस डिवाइस के अंदर आपको काफ़ी प्रीमियम कलर देखने को मिलेंगे और बिल्ड और क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलने वाली है। और कैमरे के बारे में अगर बात की जाए तो वन प्लस का कैमरा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है, तो इस डिवाइस के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी शूटर देखने को मिलता है जिसमें कि आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल्स का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही में अगर बात करें इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में, तो फ्रंट साइड में आपको 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस का 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एक फ्लूइड एमुलेट पैनल देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको डुअल पंचोल कटआउट देखने को मिल जाता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 32 मेगापिक्सल प्लस 105 डिग्री का एक 8 मेगापिक्सल्स का एडिशनल सेंसर देखने को मिलता है जो कि ग्रुप सेल्फी में काफ़ी हेल्प करने वाली है। और साथ ही में जो वन प्लस है वो हाइप को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, बट यहाँ पर प्राइस को लेकर शायद आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं क्योंकि वन प्लस का जो एक और डिवाइस है उसका गिगबेंच स्कोर निकल कर सामने आया है, जिससे कि यह कंफर्म होता है कि वन प्लस नॉट सीरीज का एक और स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और इस डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन 690 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि ऑल्सो एक 5G चिपसेट है, तो यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन बहुत ही बढ़ गई है क्योंकि हो सकता है कि आपको वन प्लस नॉट का प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सके। बट मैं आपसे एक बहुत ही अमेजिंग बात बताने वाला हूँ कि अगर वन प्लस नॉट का प्राइस 27 से लेकर 30,000 रुपये के बीच में जाता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप IQ का जो स्मार्टफोन है वो ले सकते हैं या फिर रियलमी का स्मार्टफोन जो है 5G के साथ उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको उन दोनों स्मार्टफोन में अंदर 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो वन प्लस नॉट का प्रोसेसर आपको पता ही है कि स्नैपड्रैगन 675G का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो वन प्लस नॉट का जो प्राइस है वो अभी तक एक्सपेक्टेड 25,000 रुपीज़ के अंडर ही बताया जा रहा है, बट इसकी प्राइसिंग मुझे लग रही है जिस तरह से वन प्लस इसको हाइप क्रिएट कर रही है तो शायद से इसकी प्राइसिंग जो है वो ऊपर जाने का अनुमान है। साथ ही में वन प्लस जो है वो वन प्लस बर्ड भी लेकर आने वाला है, इसीलिए वन प्लस नॉट के अंदर आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर वन प्लस जो है वो मार्केटिंग बहुत ही अच्छी तरह से करना जानता है, क्योंकि अगर वन प्लस नॉट के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट होता तो वन प्लस बर्ड जो है वो देखने को नहीं मिलता, बहुत लोग उसे परचेस नहीं करते। बट वन प्लस नॉट के अंदर हमें 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो बहुत लोग वन प्लस नॉट के लिए बर्ड्स एयर को भी ले सकते हैं जो कि वन प्लस उसी दिन लॉन्च करने वाली है। तो फाइनली आपका क्या ओपिनियन है, क्या वन प्लस का जो मार्केट स्ट्रेटजी है वो सही है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इस छोटे से भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ लवली डे।